हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति हियर। आज के वीडियो में करेंगे एक स्टॉक का एनालिसिस। ये एक मल्टीबैगर स्टॉक है और पिछले 3 सालों में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 345% का रिटर्न बना के दिया है। 2019 अप्रैल में इस कंपनी का जो है आईपीओ आया था और काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिली थी इस आईपीओ का। इसका इशू प्राइस था अराउंड 538 का और एक ह्यूज डिमांड के साथ इसकी अच्छी खासी लिस्टिंग हुई थी। इसकी लिस्टिंग हुई थी अराउंड 644 के आसपास और ऑन द सेम डे ये स्टॉक जो क्लोज हुआ था वो अपने इशू प्राइस के 21% एवव पे जाके ये क्लोज हुआ था। और अपने लिस्टिंग के एक साल के अंदर ही इस कंपनी ने जो है अपने इन्वेस्टर्स को 55% तक का रिटर्न बना के दिया है और पिछले 3 सालों में 345% का रिटर्न बना के इस स्टॉक ने दिखाया है। तो जब से ये एक्सचेंज पे लिस्ट हुई है कंपनी, तब से लेके अब तक इसने अपने इन्वेस्टर्स को कभी भी होपलेस नहीं किया है। हमेशा इस कंपनी ने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करके दिखाया है। तो आज की वीडियो में हम इसी स्टॉक के बारे में बात करेंगे कि क्या ये कंपनी है। तो कंपनी का नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, जिसके बारे में हम आज डिटेल स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं कि कंपनी क्या काम करती है, इसका बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, लिस्टिंग से लेकर अब तक कंपनी की कैसी परफॉर्मेंस रही है, क्या लेटेस्ट इसमें अपडेट और न्यूज़ चल रहे हैं इस कंपनी में, नियर टर्म में इसके क्या टारगेट लेवल एंड स्टॉप लॉस हो सकते हैं और फर्दर इस कंपनी में क्या स्ट्रेटजीज हैं, कंपनी के आगे क्या ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर रख लीजिए। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल को अगर हम डिस्कस कर लें तो ये कंपनी पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड वायर्स, केबल्स एंड FMEG मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। 1996 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और डिफरेंट टाइप्स के जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो वायर्स केबल्स हों या फिर फैन हो, इलेक्ट्रिकल स्विचेज हों, अप्लाइंसेज हों, पम्प्स हों, इस तरीके की जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज या वायर केबल्स होते हैं उन सभी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इनका सेलिंग का ये काम कर प्रोवाइड करती है। तो जिस तरीके का इनका बिजनेस है, जिस तरीके के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है, तो हमें समझ आता है कि हर एक जगह पे, हर एक सेगमेंट में जो है इनके प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो बेसिकली दो सेगमेंट में इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो वर्क करते हैं। पहला है वायर्स एंड केबल्स और दूसरा है FMEG प्रोडक्ट्स। तो वायर्स एंड केबल्स में बस वायर्स एंड केबल्स आते हैं और FMEG में सभी तरीके के जो अप्लाइंसेज, स्विचेस, फैंस, इलेक्ट्रिसिटी, जो गीज़र, पम्प्स, जितने भी होते हैं ये सारे प्रोडक्ट्स इसके अंदर आ जाते हैं। तो जिस तरीके का इनका बिजनेस मॉडल है, तो ऑफ कोर्स इनके जो कस्टमर बेस है वो काफ़ी ह्यूज है। हर जगह हर चीज़ में इनके प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, तो कस्टमर बेस काफ़ी अच्छा है इनका। तो अगर इनके कस्टमर की बात करें हम, तो इनके डिफरेंट इंडस्ट्रीज, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रियल एस्टेट हो, रेलवे हो, टेलीकॉम हो, IT सेक्टर हो, डिफेंस हो, एग्रीकल्चर हो, हेल्थ केयर हो, हॉस्पिटल्स हो, हर जगह हर इंडस्ट्रीज़ में इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो इस चीज़ से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इनका ग्रोथ पैटर्न जो है आगे बढ़ने वाला है और किस लिए इनके फंडामेंटल्स जो हैं, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे, वो इतने स्ट्रांग हैं। तो ये कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात हो गई। इसके साथ कंपनी कई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में भी अपने सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि गवर्नमेंट स्मार्ट सिटी के बारे में प्लानिंग कर रही है, देन गवर्नमेंट जो ब्रिजेस वगैरह या डैम्स वगैरह जो बनाती है उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी, वायर्स, केबल्स वगैरह जैसे प्रोडक्ट्स के यूज़ होते हैं, तो वहाँ पर भी कंपनी के पास काफ़ी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी हैं। अब इस कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ एरिया की बात करें तो इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो टॉप क्वालिटी के इनके प्रोडक्ट्स हैं। देन इनका ब्रांड नेम जो है वो काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी लोग जो है फेमिलियर हैं इस ब्रांड से। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क है, डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूशन जो है इनका काफ़ी स्ट्रांग है। देन इनका जो नेटवर्क प्रेजेंस है वो ग्लोबल लेवल पे इनका नेटवर्क प्रेजेंस है, जहाँ पे इनके 25 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं इन 7 लोकेशंस इन इंडिया और पैन इंडिया प्रेजेंस है इनका। इसके साथ 72 कंट्रीज़ में जो है अदर देन इंडिया भी इनके जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं वो इनका बिजनेस जो है वो स्प्रेड है। देन इनके पास 2 लाख से ज़्यादा रिटेल आउटलेट्स हैं, 14 ऑफिसेज हैं, 23 वेयर हाउसेज हैं, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम है। तो इस तरीके से ये सभी जो है इनके स्ट्रेंथ एरिया है। अब रिसेंटली कंपनी में एक न्यूज़ भी आई थी कि कंपनी ने अपना ब्रांड लोगो जो है उसे अपडेट किया है, जहाँ पे पहले इनका जो ब्रांड लोगो और पंच नेम था वो था पॉलीकैब कनेक्टिंग जिंदगी, जिसे अब कंपनी ने चेंज करके पॉलीकैब आइडियाज़ कनेक्टेड करके रख दिया है, जिसे आप वेबसाइट पे देख सकते हैं कि आइडिया कनेक्टेड कंपनी ने अभी से चेंज कर दिया है। पहले कंपनी का पूरा फोकस जो है केबल्स एंड वायर्स पे था, लेकिन अब कंपनी जो है होम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है, जहाँ पे कंपनी सभी तरीके के जो इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं,
उस सेगमेंट में आ चुकी है। जैसे मैंने आपको इनके बिजनेस मॉडल में बताया कि दो सेगमेंट में ये काम करती है, वायर्स एंड केबल्स, एंड दूसरा है इनका FMEG मतलब फास्ट मूवेबल इलेक्ट्रिकल गुड्स। तो अब इस सेगमेंट में भी कंपनी अपने आप को प्रमोट कर रही है, इन्होंने अपना ब्रांड रिफ्रेश किया है, जिसकी वजह से इनको और ज़्यादा जो है बिजनेस में ग्रोथ मिलने वाली है। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि पिछले 5 सालों में कंपनी ने किस तरीके का परफॉर्म करके दिखाया है। तो फाइनेंशियल ईयर 23 के अकॉर्डिंग ऑल ओवर मार्केट का कंपनी 14% मार्केट शेयर होल्ड करती है, वही ऑर्गेनाइज्ड मार्केट का 24% शेयर जो है मार्केट होल्ड करती है। अदर फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो ये स्टॉक करेंटली अभी ट्रेड कर रहा है 5,259 के आसपास, और जब जैसा कि हमने देखा था जब ये एक्सचेंज पर लिस्ट हुई थी तो ये स्टॉक जो है लिस्ट हुई थी 644 के आसपास, और तब से अब तक आप इस कंपनी में ग्रोथ दे सकते हैं कि कितना अच्छा खासा इसने अपने मल्टीबैगर रिटर्न्स बना के दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। इसका मार्केट कैप है 78,904 का। इस कंपनी का ROE एंड ROCE है 27% एंड 20% का, जो बहुत ही अट्रैक्टिव है, जो 15% से ज़्यादा है तो एक अच्छा साइन माना जाता है। देन डेप्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी के पास डेट है ही नहीं। देन अगर हाई लो की बात करें तो कंपनी ने 52 वीक्स का हाई जो है 5,423 पे बनाया था, और फिलहाल जो है कंपनी अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी का अभी तक का ऑलमोस्ट हाई के आसपास जो है वो पहुंच चुकी है। इसने 52 वीक्स का लो है 2,500 का। इसके बाद कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा डिविडेंड भी पे करती है। अगर इसके पीयर से भी आप इसका जो है प्रॉफिट को अगर कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो प्रॉफिट है अपने पीयर्स के कंपैरेटिवली तो कंपनी अच्छा खासा जो है अपने लीड कर रही है, सेक्टर लीडर है और अच्छा ग्रोथ करके दिखा रही है, मतलब फास्ट ग्रोइंग कंपनी है और कंसिस्टेंट प्रॉफिट इसने बना के दिखाया है। डेट भी नहीं है, तो जो भी कंपनी प्रॉफिट करती है वो उसे अपने ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकती है। क्वार्टर रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है उसमें आप देखेंगे कि लास्ट जो इनका रिसेंट क्वार्टर रिजल्ट आया था जून 23 का, उसमें इनका आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 549 करोड़ का है, जो लास्ट क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेम लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखेंगे जून 22 में जो 310 करोड़ का था जो बढ़ के 549 करोड़ का हो गया है। वहीं अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो उसमें भी ग्रोथ देखने को मिलेगा, मीन्स आपको कंसिस्टेंसी में ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करेंगे तो कंपनी का सेल्स रेवेन्यू अगर आप देखेंगे कि जब से ये एक्सचेंज पे लिस्ट हुई है 2019 में, तब से लेके अब तक जब ये एक्सचेंज पे लिस्ट हुई थी तो इसकी सेल्स जो थी वो 7,986 करोड़ की थी, जो अब बढ़ के 15,261 करोड़ की हो गई है। तो काफ़ी अच्छा कंपनी जो है अपने रेवेन्यू में ग्रोथ करके दिखा रही है। तो 15.29% के CAGR से इनका जो है ऑपरेटिंग रेवेन्यू है बढ़ रहा है। देन प्रॉफिट, अब इनका नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट जहां पे 500 करोड़ का था मार्च 2019 में जब ये लिस्ट हुई थी एक्सचेंज पे, और अब फिलहाल है 1,463 करोड़ पे। तो कंसिस्टेंट हमें इसमें भी ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो कंपनी जो है फास्ट ग्रो कर रही है। लेकिन कंपनी का ROE जैसा हमने बोला था कि 20% का है, इसका जो अगर CAGR की बात करें तो 102% से इसका CAGR बढ़ रहा है, और सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 17% का इसका सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। तो हर टर्म में हम देख रहे हैं कि कंपनी जो है फास्ट ग्रो कर रही है और प्रॉफिटेबल है, कंपनी भी पैसा बना रही है, अपने शेयर होल्डर्स को भी पैसा बना के दे रही है। इसके साथ अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो वो 27.3 का है। तो यहाँ पे इससे हम बता सकते हैं कि जो भी एक्सपेंसेस हैं कंपनी के पास तो अपने एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए कंपनी अच्छा खासा क्रॉस प्रॉफिट बना के दिखा रही है। तो कंपनी के पास कोई डेट नहीं है, 21% का अच्छा खासा डिविडेंड भी अपने शेयर होल्डर्स को पे कर रही है, कंसिस्टेंट इनके डिविडेंड पे आउट भी इंक्रीज हो रहे हैं, प्रॉफिटेबल कंपनी है, इनके फाइनेंशियल्स जो है हमें ग्रोइंग दिख रहे हैं, सेक्टर लीडर है। तो हर तरीके से हमें दिख रहा है कि कंपनी जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके दिखा रही है। इसके बाद हमने अब अगर बात करें कि क्या इसमें स्कोप क्या है कि क्या कंपनी आगे किस तरीके से ग्रो कर सकती है, तो कुछ तो कंपनी के अगर टारगेट्स की बात करें तो टारगेट है कि 2026 तक कंपनी का टारगेट है कि वो 20,000 करोड़ का सेल्स उनको जनरेट करना है, ये कंपनी का टारगेट है। उन्हें डिजिटलाइज होना है, CRM है, देन इम्प्रूव सेल्स में इम्प्रूव करनी है, उनका कस्टमर बेस बढ़ाना है, तो ये सभी कंपनी के टारगेट्स हैं। अगर कुछ पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो जिस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है
केबल्स एंड वायर्स की, तो इस तरीके का सेगमेंट है जो हर जगह हर इंडस्ट्रीज में काम आता है। तो अगर जैसा कि हम एग्जांपल है कि रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेट का अगर हम बिज़नेस देखेंगे या फिर सेक्टर देखेंगे, तो कोविड के आने के बाद रियल एस्टेट का जो सेक्टर है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है। हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं और अदर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, जहाँ पर हर जगह जो है इलेक्ट्रिसिटी, वायर्स, केबल्स, इन सब चीज़ की डिमांड बढ़ने वाली है। तो जितने भी ये कंजप्शन वाले प्रोडक्ट्स हैं जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, रियल एस्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जो काम आते हैं, तो उसमें एक वायर्स, केबल्स, इन चीज़ों के भी हर जगह यूज़ होते हैं। तो वहाँ पे कंपनी को अच्छा खासा जो है बिज़नेस वहाँ से मिलने वाला है। तो अगर रियल एस्टेट में ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो जो कंजप्शन वाले जितने भी हैं, चाहे वो सीमेंट्स हों या इलेक्ट्रिकल वायर्स हों, उन सब में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके पास भी बिज़नेस आएगा, उसमें भी डिमांड बढ़ेगी। तो ऐसे ही कंपनी पॉलीकैब है, अच्छा खासा इनका ब्रांड नेम है और काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स इनके पास फ़िलहाल हैं, तो जिसके बेसिस पे कहा जा सकता है कि अभी इस कंपनी के पास बिज़नेस की कोई कमी नहीं है, काफ़ी इनके पास बिज़नेस है और ग्लोबल लेवल पे ही अपने आप को प्रेजेंट कर रही है। ब्रांड नेम काफ़ी स्ट्रांग है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इनका काफ़ी स्ट्रांग है, मैनेजमेंट टीम इनकी अच्छा वर्क कर रही है। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दिख रहा है कि कंपनी जो है काफ़ी अच्छे से अपने आप को आगे बढ़ा रही है, और जैसा कि हमने बताया कि फ़िलहाल ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रही है। देन इन्होंने अपना लोगो भी चेंज किया है, तो जिससे ये दिखता है कि कंपनी जहाँ पहले से वायर्स केबल्स वाले सर्विसेज में थी, अब ये इन्होंने अपने आप को जो है काफ़ी एक्सपेंड कर दिया है, प्रोडक्ट रेंज काफ़ी उन्होंने बढ़ा दिए हैं और ये जो है पूरा होम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है। तो चाहे वहाँ बड़े इंडस्ट्रीज़ को सर्व करना हो, तो या फिर छोटे कस्टमर्स को सर्व करना हो, हर जगह ये अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो ये ऑल ओवर जो है इसका बिज़नेस एनालिसिस था, इस स्टॉक का एनालिसिस था। तो अब बात करें कि आगे इस स्टॉक में क्या किया जा सकता है। तो अभी ये तक आप समझ ही गए होंगे नो डाउट कि जिस तरीके की ये कंपनी है, तो ऑफकोर्स इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखा जा सकता है अगर ये आपके पोर्टफोलियो में है। अगर आप इसको फ्रेश बाइंग की कहीं सोच रहे हैं, तो जैसा कि बोल रहे हैं कि ऑलरेडी ये कंपनी जो है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रही है, तो बाई ऑन डिप्स की एडवाइस है, जहाँ पे भी ये स्टॉक थोड़ा नीचे आता है तो आप वहाँ पे इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और अगर आप इसे ट्रेडिंग पर्पज़ से देखना चाह रहे हैं, तो करेंटली ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 5,259 के आसपास, और नियर टर्म में ये स्टॉक जो है 5,500 से लेके 6,000 तक का लेवल टच कर सकता है। नीचे ये स्टॉक 5,135 के से लेके नीचे 4,930 के आसपास तक का ये नीचे आ सकता है, तो आप इसमें ये स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हैं। तो ये मेरी एनालिसिस थी, आप अपने एनालिसिस लगा के ही किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें या ट्रेडिंग करें। अगर आप स्टॉक एनालिसिस सीखना चाहते हैं या फिर शेयर मार्केट को इन डेप्थ में समझना चाहते हैं, तो आप हमारी क्लासेस कर सकते हैं, तो सब जिसकी सभी डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ऑनलाइन भी कर सकते हैं आप, ऑफलाइन मोड भी है, जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हैं आप कर सकते हैं। आप डेली के टिप्स के लिए, रिकमेंडेशन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इसके साथ ही किसी तरीके की भी आपको फाइनेंशियल नीड है, चाहे आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ एडवाइस चाहिए, या आपको SIP कराना है, या आपको डीमैट अकाउंट खुलाना है, कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर चेक करें। हमारे वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल्स, वेबसाइट के डिटेल्स, हमारी गूगल रिव्यूज़ सब कुछ है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं और हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये मेरी एनालिसिस थी, आपको कैसी लगी आप एक लाइक या कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और आगे किस स्टॉक पे आप एनालिसिस देखना चाहते हैं ये भी मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। तो होप करती हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए। थैंक यू।